और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जबलपुर से पंचायत चुनाव के खिलाफ कोर्ट जा सकती है कांग्रेस। ये जानकारी मिल पा रही है, सोमवार को हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की जा सकती है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। कानून की ओर से स्थापित राज का संदेश देना हम सबका दायित्व है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दुर्गेश फोनलाइन पर मौजूद हैं। दुर्गेश, कल जैसे ही ऐलान किया गया है जब से पंचायत चुनावों का राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, तब से सियासत लगातार गरमाई हुई है और अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कोर्ट जा सकती है इन चुनावों को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले से ही काफी लेट हो चुके हैं क्योंकि कोरोना संकट काल और बाकी तमाम परिस्थितियों को चलते चुनाव संभव नहीं हो पाए थे, लेकिन अब पंचायत चुनाव की जैसी घोषणा हुई है वैसे ही कांग्रेस ने भी इसे एक मुद्दा बना लिया है। और जो राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि जो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है वो संवैधानिक प्रबंधों के खिलाफ है, यानी कि जिस तरीके से चुनाव होने चाहिए, जिस तरीके से कार्यप्रणाली होनी चाहिए, उसका पालन सरकार नहीं कर रही है। और यही वजह है कि अगर इस मामले पर हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट में दायर की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कानूनी पहलू ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है और इसके पहले जब जब चुनाव से संबंधित कोई याचिका हाईकोर्ट में दायर होती है तो अधिकांश मामलों में हमने देखा है कि हाईकोर्ट ये कह देती है कि चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है इसलिए अब हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसमें जो भी फैसला लेगा वो राज्य निर्वाचन आयोग ही लेगा। तो एक ही कानूनी पहलू जरूर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की ओर से इस तरह का ट्वीट करना साफ संदेश है कि कांग्रेस फिलहाल चुनाव के या तो मूड में नहीं है या फिर चुनाव के जिस तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रक्रिया की जा रही है उसके खिलाफ है। तो देखना ही होगा कि जब याचिका यदि अगर दायर होती है, अभी क्योंकि केवल ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जी 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 मे भी हम जा सकते हैं, तो अगर जाती है तो क्या प्रमुख मुद्दे उस याचिका में उठाए जाएंगे। बिल्कुल, और दुर्गेश ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि किस चीज को आधार बनाया जाएगा अगर कांग्रेस की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की जाती है, तो किन पहलुओं को आधार बनाकर ये याचिका रहेगी ये भी समझना होगा। अब बिल्कुल देखिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आमतौर पर अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो फिर उसमें हस्तक्षेप हाईकोर्ट नहीं करता है। हाईकोर्ट ने इसके पूर्व में जितनी याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं चुनाव से संबंधित, उन याचिकाओं में हाईकोर्ट ने अंततः यही कहा है कि चूंकि ये हस्तक्षेप का मामला नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग खुद एक संवैधानिक पीठ है और उसकी कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप तब तक नहीं कर सकती जब तक चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है जो हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जैसा कि ट्वीट कहा है, इस ट्वीट के आधार पर यदि हम आकलन करें तो कांग्रेस का केवल ये कहना है कि ये संवैधानिक प्रबंधनों के खिलाफ, यानी कि संवैधानिक तौर पर इस कानून ये जो चुनाव घोषित किए गए हैं या चुनाव जो होंगे वो संविधान के अनुरूप नहीं है, नियम कानून के अनुरूप नहीं है। तमाम पहलू जी बिल्कुल दुर्गेश, पिछले लंबे वक्त से ये चुनाव चल रहे थे और पंचायत चुनाव को लेकर पहले भी ऐलान किया जाना था, उसके बाद सेकंड वेव आ गई, तो लंबे वक्त से टलते आ रहे थे। अब जब फाइनली ऐलान हो चुका है तो क्या समझे कि कांग्रेस अगर इस तरीके की चीजें करती है तो इसे क्या समझा जाए कि कांग्रेस का ये डर है, अभी तैयार नहीं है पूरे तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर। बिल्कुल देखिए, इसके कई पहलू निकाले सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस जो निकाय चुनाव है, जो पंचायत चुनाव है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। दो साल का अंतर तमाम कार्य क्षेत्र में हो चुका है, जो विधान परिषद में हो चुका है, लेकिन ये चुनाव का लेट होना स्वाभाविक बात है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण तो कोरोना था। बिल्कुल दुर्गेश, एक बड़ी वजह ये भी है, कोविड भी। और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिरकार कांग्रेस जो है खिलाफ क्यों इन पंचायत चुनावों के जाने की तैयारी कर रही है। हम कह सकते हैं अभी तक कोई याचिका दायर नहीं हुई है। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज स्टेट पर। आप ही से समझना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव के खिलाफ क्या कांग्रेस जाएगी कोर्ट? नहीं, कोर्ट में ऑलरेडी लोग गए हुए हैं, सरकार को एक महीने का नोटिस दिया गया है। भूपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच खबर ये आ रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कोर्ट जा सकती है पंचायत चुनाव के खिलाफ, क्योंकि हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की जा सकती है। विवेक तन्खा ने जो ट्वीट किया है उसके आधार पर यह अंदेशा जताया जा रहा है।
भूपेंद्र एक बार फिर से भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र जी आप बता रहे थे कि क्या जो है आगे स्टेप रहने वाला है, क्या आगे कांग्रेस करने वाली है पंचायत चुनावों को लेकर। देखिए, ये अवैधानिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, तो ये चुनाव तो आगे पीछे तो कुछ जो है इस पे अदालती कार्रवाई होनी है, तो ये सरकार हड़बड़ी क्यों मचा रही है। 22 तारीख को जो है एक्सपायर होने वाला था, 21 तारीख को इन्होंने जो है नया अध्यादेश निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भैया? अभी जो है सरकार सफाई ये दे रही है कि वो तो एक साल की वैलिडिटी रहती है, वो अपने आप खत्म हो गया, तो एक दिन और इंतजार करने में सरकार को कौन सी तकलीफ थी। ये जो है इनकी मंशा और इनकी बदनीयतियां जो है हर मौके पर जाहिर हो रही हैं। अब जब कोर्ट ने एक महीने का नोटिस दिया है तो आप जो है आपने जो है चुनाव डिक्लेयर कर दिए हैं, तो क्यों कर दिए हैं भाई? वो कहेंगे कि साहब संवैधानिक संस्था ऐसा कर रही है, तो ये खुद जानबूझकर ऐसे लेकुनास छोड़ रहे हैं। अभी वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है, आज की तारीख में जिन नए वोटर मतदाता जो है वोट देने के योग्य हो गए हैं उनके नाम अभी ऐड नहीं हुए हैं, तो चुनाव किस लिए करवाया जा रहा है? चुनाव में सबसे पहली चीज क्या होती है कि वोटर्स का समायोजन होता है मतदाताओं का। बिल्कुल, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने क्योंकि ऐलान कर दिया है, तो अब इसके बाद कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दीपक विजयवर्गीय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। दीपक जी, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि ये संवैधानिक प्रावधान नहीं, प्रावधानों के खिलाफ है जो पंचायत चुनावों का ऐलान किया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? कांग्रेस पार्टी जी, दीपक क्या मुझसे पूछा आपने? जी दीपक जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है पंचायत चुनावों के ऐलान को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? दीपक जी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है दीपक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, किस चीज को आधार बनाकर कांग्रेस जा सकती है कोर्ट में? आपने कहा कि कोर्ट में पहले भी जो है कोर्ट जा चुके हैं कुछ लोग से लेकर पंचायत चुनाव को लेकर, तो किस चीज को आधार बनाकर, किन पहलुओं को आधार बनाकर ये खिलाफत की जा रही है? नहीं, वो तो स्पष्ट किया है विवेक तन्खा जी ने, हमारे जो चुनाव का जो वैधानिक कार्य देखते हैं उन लोगों ने स्पष्ट किया हुआ है, कमलनाथ जी के ट्वीट में स्पष्ट है, इस पर मेरी अलग से टिप्पणी अनिवार्य नहीं है। उसमें तो वैधानिक बहुत सारे लेकुनास है, सरकार खुद जानती, जानबूझ के उसने छोड़े हुए हैं वो, क्योंकि चुनाव नहीं कराना चाहती, कोई ना कोई अड़ंगा लग जाए और दूसरे के सर पे हांडी फूट जाए, ये सरकार की कोशिश है। भूपेंद्र जी, क्या ये समझा जाए कांग्रेस तैयार है या फिर कांग्रेस तैयार नहीं है अभी पंचायत चुनाव को लेकर, अगर इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं? कांग्रेस के लिए तैयार है, कांग्रेस सारे चुनावों के लिए तैयार है, कांग्रेस को कोई भय नहीं है। तो फिर भूपेंद्र जी, जब अब ऐलान हो चुका है तो उसके बाद अगर हाईकोर्ट का रुख करती है कांग्रेस, तो आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस के नेगेटिव इम्पैक्ट भी कांग्रेस का जा सकता है जनता के बीच? कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा, गांव-गांव लोग गालियां दे रहे हैं इस सरकार को, और जिस तरीके से इसने परिसीमन को रद्द किया है उसको, और जो है ये करें फेस उसको, हमें कोई डर थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, लोगों ने तैयारी कर रखी है चुनाव की, बार बार झोल खिलाते हैं और लोग जो है गांव-गांव में जो है अपने जनप्रतिनिधित्व के लिए तैयार खड़े बैठे हैं, और ये सरकार किसी न किसी तरीके से अड़ंगे लगाना चाहती है। ये तो जो है इनने क्या किया है, आप इनकी कल्पना तो करें, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज को पिछले 15 साल में सत्यानाश किसने किया, उनके भत्ते तक नहीं देते थे ये लोग। बिल्कुल, तो पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे थे भूपेंद्र जी, और आपका ये कहना है कि अभी जो है संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है पंचायत चुनाव कराना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।